प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख ही पा रहे हैं। इस डिटेल्स के आधार पर जब आप इनकी जन्म की कुंडली बनाएंगे तो यह कुंडली बनेगी सिंह लग्न की और कन्या राशि की। अब सिंह लग्न कन्या राशि दोनों के प्रभाव को अगर आप देखेंगे तो एक का स्वामी सूर्य होता है, दूसरे का स्वामी बुध होता है। देखा जाए तो बहुत अधिक मित्र भी नहीं है, बहुत शत्रु भी नहीं है, तो प्रभाव ठीक है, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्रदान करता है, अन्य का सहयोग दिलाता है। लेकिन एक समस्या जरूर है, सिंह लग्न हो जाने से जातक के स्वभाव में अपने अनुसार काम करना, स्वतंत्र विचारधारा अधिक होना, ज्यादा दूसरों के अंडर रहना, दूसरों की बातें सुनना उतना स्वभाव में रहता नहीं है। इस कारण से कई बार अन्य से तालमेल थोड़े कमजोर हो जाते हैं। हालांकि सिंह लग्न में स्वभाव होता है सभी को साथ लेकर चलने का, तो जातक किसी भी स्थिति में रहे, कितना ही स्वभाव कैसा भी रखे, लेकिन जातक सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, सभी के लिए सोच कर चलता है, ऐसा देखा गया है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप एक बात देखिए कि कुंडली में कन्या राशि है। कन्या राशि मैनेजमेंट की राशि होती है, जातक बिगड़ी हुई परिस्थिति को संभालने वाला होता है, संभालना जानता भी है। वैसे तो कन्या राशि में चंद्रमा का होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12वें का स्वामी होकर कुंडली के दूसरे भाव में विराजित है, जो कि कई बार व्यक्ति की वाणी को खराब करे, जातक बिना सोचे विचारे कुछ ज़्यादा बोल दे, या फिर ये कहा जा सकता है कि व्यर्थ में कई बार धन का खर्च करना, धन को व्यर्थ करना, ऐसा प्रभाव भी इस चंद्रमा से देखा जा सकता है। क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है, 12वां भाव हानि का है, व्यय का है, दूसरा भाव हमारे धन का होता है, कुटुंब का होता है, तो ये बात देखी गई है कि व्यक्ति कई बार व्यर्थ में धन का खर्च करे, वाणी का कई बार व्यय व्यर्थ में करे, यानी व्यर्थ की बातें बोले जिससे अन्य से तालमेल कमजोर हो जाए। या कई बार ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि चंद्रमा का प्रभाव है तो वैसे सौम्य ग्रह है, लेकिन जब भी आप देखते हैं कि चंद्रमा दूसरे भाव में हो, उस पर मंगल का किसी प्रकार से प्रभाव आता हो, दूसरे भाव का स्वामी कमजोर होकर बैठा हो, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर रुकावटों का या परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में आप बोल सकते हैं अपनी वाणी के कारण ही परेशानी होती है, वाणी के कारण ही नुकसान भी होता है, या घर परिवार में अन्य से संबंध भी वाणी के कारण खराब होते हैं। तो ये कमजोरी वाला पॉइंट यहाँ बन रहा है, जिसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो जातक को करना पड़ेंगे, जो आगे मैं बताता हूँ। बाकी इस कुंडली में देखा है तो लग्न में केतु है। लग्न में केतु है तो व्यक्ति का स्वभाव वैसे तो ज़्यादा दूसरों का बुरा करने का होता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अन्य के द्वारा ठगा जाता है, अन्य के द्वारा व्यक्ति को लूटा जाता है। अन्य कई बार देखने को मिला कि दोस्त मित्र आदि बोलिए या सहयोगी बोलिए या घर परिवार के ही लोग बोलिए, कई बार जुड़ते हैं लेकिन अपना लाभ निकलवा करके चले जाते हैं, जातक को नुकसान में छोड़ जाते हैं, ऐसी बात देखने को मिली। केतु व्यक्ति को अच्छे कर्म करने वाला बनाता है, लेकिन केतु मंगल के समान प्रभाव देने वाला ग्रह है, और केतु मंगल के समान प्रभाव देने वाला है तो एक काम ये कर देता है कि व्यक्ति को बहुत अधिक क्रोधी या फिर भ्रम में रहने वाला, चिंता में रहने वाला बना देता है। कई बार घर परिवार के लोग कहे कि जो सपोर्ट वाले हैं, सहयोगी है, वो कहे कि ये काम मत करो, और जहाँ तक दूसरों की बातों में आकर वही काम करने लग जाए, ऐसा प्रभाव ये केतु देने का काम कर देता है, क्योंकि ये थोड़ा मन में भ्रम या चिंता देता है। यही केतु की जगह यहाँ पर राहु होता तो ज़्यादा अच्छा परिणाम दे पाता, लेकिन केतु लग्न में हो तो भ्रम चिंता जैसी स्थिति को निर्मित करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर पाता है। लेकिन थोड़ा मिला जुला सा इसका कह सकते हैं कि धार्मिकता के लिए अच्छा है, कार्यों करने के लिए अच्छा है, लेकिन कई बार व्यक्ति के स्वभाव में भ्रम उत्पन्न करेगा और व्यक्ति से गलत निर्णय करवाएगा, वैसी बात है यहाँ पर। इसके बचाव के लिए व्यक्ति को हालांकि यहाँ ये कोशिश करना चाहिए कि अपने गुरु को बलवान रखे। अब देखा जाए तो कुंडली के तीसरे भाव में गुरु है। तीसरे भाव में आप जानते हैं गुरु उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु के लिए कहा जाता है कि ये गुरु मरण करने स्थान में है, जहाँ पर इसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। इस गुरु के चलते वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन मिला जुला रहता है। हालांकि व्यक्ति अपने स्वयं के धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ पाता है, लेकिन व्यक्ति को दूसरों की बातें सुनने का स्वभाव नहीं होता। मैंने कई बार कहा है तीसरा भाव आपके सुनने की क्षमता है। गुरु जैसा ग्रह कभी व्यक्ति के सुनने की क्षमता को बढ़ने नहीं देता है। ये देखने को मिला है कि गुरु जब भी कुंडली के तीसरे भाव में हो, वक्री स्थिति में भी है यहाँ, तो व्यक्ति दूसरों की बातों को, मतलब दूसरे कुछ भी बोल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं रखता, जो स्वयं को अच्छा लगता है वो करता है, उस कारण कई बार नुकसान भी होता है। अब लेकिन यहाँ समस्या ये है कि केतु दर्शा रहा है कि बाहर के लोगों की बातें सुनने पर नुकसान हो सकता है, परेशानी आ सकती है,
और ये गुरु के चलते भी यही बात है कि घर परिवार के लोगों ने कहा तो व्यक्ति उनकी बातें ना माने और स्वयं का नुकसान करवा ले, तो व्यक्ति को उन सब चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये गुरु व्यक्ति के सही प्रकार से, व्यक्ति मेहनती है, कार्य करने में अच्छा है, ईमानदार है, लेकिन कई बार दूसरों की बातों में बहकावे में आकर के व्यक्ति नुकसान कर लेता है खुद का, ऐसा कहा जा सकता है, जो कि नकारात्मक बात को दर्शा रहा है। अब देखा जाए तो केतु के लिए गुरु को बलवान करना था, और गुरु के लिए भी यहाँ देखा जाए तो अगर गुरु को बलवान करेंगे तीसरे भाव के गुरु को तो ज्यादा अनुकूल प्रभाव मिलेगा, इससे अच्छी स्थिति बन पाएगी। उसके लिए क्या करना है उसकी बात मैं आगे करता हूँ। बाकी यहाँ पर गुरु को बलवान करना, केतु को बलवान करना आवश्यक है, जो दोनों व्यक्ति के लग्न को यानी व्यक्तित्व को सही कर पाएंगे। व्यक्तित्व सही होगा तो व्यक्ति सही प्रकार से निर्णय ले पाएगा, अपनी मजबूती से आगे बढ़ पाएगा, और इन दोनों के प्रभाव से कुंडली का लग्न बलवान हो जाएगा और लग्न से व्यक्ति की पूरी कुंडली बलवान हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कार्य है इनके लिए बताता हूँ मैं आगे। बाकी कुंडली के छठे भाव में जैसा मैंने कहा बुध विराजित है, अब दूसरे भाव का स्वामी छठे में है तो ये तो थोड़ा कमजोर है ही। कई बार व्यक्ति अगर कर्ज ले ले तो लंबे समय तक वो कर्ज बने रहता है, जल्दी उतर नहीं पाता, ये देखने को मिला है। बुध के चलते हालांकि फाइनेंस, बैंकिंग या फिर ऐसा ही कुछ लेन देन का काम करना हो तो व्यक्ति को लाभ होता है उन कार्यों से, और व्यक्ति इन कार्यों से अच्छा लाभ कमा पाता है। यहाँ बुध क्योंकि छठे भाव में, छठा भाव बैंक का है, कर्ज का है, तो व्यक्ति इनसे जुड़ के काम कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को लोन लेना हो तो व्यक्ति उसको कंसल्ट करे, व्यक्ति उसको सलाह दे, उससे जुड़े काम में व्यक्ति को लाभ अच्छा है। हालांकि एक बात है, बुध लाभ भाव का स्वामी भी है। लाभ भाव का स्वामी जब छठे भाव में होता है तो व्यक्ति को एक से अधिक मार्ग से लाभ होता है। इस मंगल के लिए भी मैंने कहा है कि मंगल अष्टम में हो तो व्यक्ति को एक से अधिक मार्ग से लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ धन कमाने के लिए व्यक्ति के पास एक से अधिक साधन हो वो तो कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि बुध यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जाएगा कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि बुध जिसकी राशि में है वो स्वयं नीच राशि में चले गया है शनि, तो बुध को कमजोर या प्रभाव मिल रहा है। तो बुध को बलवान करने के लिए यहाँ शनि को बल देना आवश्यक है, और शनि नवम भाव में है तो नवम भाव के कारक गुरु ही होते हैं, यानी गुरु को बलवान कर लेने से यहाँ शनि बलवान होंगे और शनि के चलते बुध की स्थिति भी अनुकूल होंगी, बुध का प्रभाव भी अनुकूल होगा, ये कहा जा सकता है। तो इसलिए बुध के लिए यहाँ पर शनि को और शनि के लिए गुरु को बलवान करना आवश्यक रहेगा, और बुध से फाइनेंस धन की स्थिति मजबूत होगी। हालांकि जैसा मैंने कहा चंद्रमा यहाँ पर हो, 12वें का स्वामी यहाँ पर हो जाए तो धन बचता नहीं है, कई बार खर्च अधिक होते रहता है या व्यर्थ का नुकसान व्यक्ति करते रहता है, ये बात देखने को मिली है। तो ये थोड़ा बात यहाँ पर आ रही है। बाकी इस कुंडली में सप्तम भाव में 3 ग्रह विराजित है। सप्तम भाव व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, लेकिन हालांकि यहाँ शुक्र और राहु साथ में है तो पार्टनरशिप तो उतनी अच्छी नहीं कही जाएंगी, लेकिन सूर्य जैसा लग्न का स्वामी यहाँ सप्तम में बैठा है। सूर्य के लिए सिंह लग्न के अंदर यूँ भी कहा जाता है कि व्यक्ति या तो नौकरी करे, नौकरी के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव है, नहीं तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए स्वतंत्र रूप में, जहाँ पर दूसरों का हस्तक्षेप ना हो, स्वयं के दम पर निर्णय लेकर काम कर सके, तो वैसा कोई विचार व्यक्ति को करना चाहिए यहाँ पर। अब सूर्य की बात करेंगे तो लग्ने सप्तम भाव में है तो सप्तम को नकारात्मक नहीं होने देगा, सप्तम भाव के शुभ प्रभाव को बढ़ाने का काम करेगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ अगर देखा जाए तो सूर्य की बात करेंगे अगर हम, तो सूर्य सप्तम भाव में होकर के उतना अच्छा होता नहीं, कई बार इसका प्रभाव मिला जुला ही देखने को मिला है, मतलब ये वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी कमजोरी देता है। हालांकि लग्नेश होकर के बैठा है तो विवाह को बचाने का काम करेगा, मतलब विवाह को खराब नहीं होने देगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे। शुक्र जैसा ग्रह बैठा है सप्तम भाव में तो शुक्र दर्शाता है कि जीवन साथी से भी लाभ हो, यानी जीवन साथी वर्किंग रहे, उनसे भी सपोर्ट या लाभ मिलता रहे, ऐसी बातें कई बार देखने को मिली है शुक्र के चलते। तो ये बात तो है कि यहाँ सूर्य शुक्र के साथ में हो जाने से ये कहा जा सकता है, शुक्र अस्त भी यहाँ पर, ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति को जीवन साथी का सपोर्ट या सहयोग तो मिलता रहेगा, लेकिन बस समस्या उतनी रहेगी कि व्यक्ति कदर नहीं करेगा। क्योंकि एक बात क्या है कि इन दोनों ग्रहों के साथ में राहु आ गया, अब राहु आ गया तो व्यक्ति को दूसरों से कोई मतलब नहीं है, दूसरों ने अगर मेरे लिए कुछ किया है तो वो उनका कर्तव्य था, और अगर मैंने किया है तो ये मैंने उनके ऊपर उपकार किया है, ऐसा प्रभाव कई बार राहु दर्शाता है, जो कई बार एक गलत प्रवृत्ति को जन्म देता है। यहाँ पर राहु क्या है, शुक्र के एकदम साथ में, दोनों के दोनों ग्रह 18 डिग्री पर है, और दोनों ग्रहों का 18 डिग्री पर होना ये थोड़ा कमजोर कर रहा है शुक्र को, शुक्र के अच्छे गुण यहाँ समाप्त तो हो जाएंगे। व्यक्ति लग्जरी पर, सुखों पर खर्च तो करेगा, लेकिन कई बार जो एक सही मात्रा में, सही स्थिति में खर्च होना चाहिए वो व्यक्ति उसका ध्यान नहीं रख पाएगा, जो थोड़ा व्यक्ति को परेशान कर देगा। इसलिए यहाँ पर वैवाहिक पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए हालांकि गुरु को देखिए, गुरु के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, तो पारिवारिक जीवन के लिए भी गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर है। वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है, सूर्य राहु के साथ में यहाँ विराजित है, तो थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र भी कमजोर हुआ है, अस्त भी है, और ये जो लंपट योग बनाता है राहु शुक्र ये भी बना हुआ है, तो ये व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कमजोर है यहाँ पर। बस अच्छी बात इतनी कही जा सकती है
कि गुरु की दृष्टि आ जाने से बचाव है, सूर्य लग्नेश होने से यहाँ पर बचाव है। और हालांकि इनका स्वामी जो है वो नीच राशि में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि उस पर भी आ रही है, जिससे थोड़ा बचाव हो रहा है, उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं आ रहा। तो ये एक बात कम से कम यहाँ पर ठीक है, व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव देने वाली स्थिति दर्शा रही है। तो बस इसीलिए यहाँ पर जो व्यक्ति के लिए प्रभाव है उसको मैं सही कह सकता हूँ। लेकिन एक समस्या बस उतनी ही है कि यहाँ पर इस सप्तम भाव को शुभ करना जरूरी, क्योंकि सप्तम भाव लाभ अपने व्यापार का भी होता है। अब व्यापार में अगर अच्छा परिणाम चाहिए तो यहाँ पर ये जो सप्तम भाव की स्थिति उसको शुभ करना जरूरी है। ये शुभ होंगी तो सप्तम भाव जो विवाह का है, व्यापार का है, उसमें वृद्धि होंगी, लाभ की मात्रा भी बढ़ पाएंगी। तो इसलिए व्यक्ति को इससे जुड़े कुछ उपाय और इससे जुड़े कुछ कार्य बताए जाएंगे जो व्यक्ति को करना चाहिए। अब यहाँ पर इसका तो आगे बताता हूँ मैं, लेकिन एक बात यह कि मंगल भी अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का मंगल बहुत अधिक ऊर्जावान होता है, व्यक्ति को क्रोधी, थोड़ा जल्दीबाजी में काम करने वाला, और ये मंगल भी यहाँ पर किसी की न सुनने वाला प्रभाव देता है। स्वतंत्र विचारधारा होती है, लेकिन कई बार क्रोध का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो वो बात है यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो है यहाँ पर, ये कहा जा सकता है कि जातक को अच्छा परिणाम लेने के लिए अपनी कुंडली में सबसे पहले तो लग्न को बलवान करना जरूरी है। लग्न बलवान होगा तो व्यक्ति सही प्रकार से निर्णय ले पाएगा, सही प्रकार से अपना जो एक सही स्थिति वो बना पाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक बात ये कही जाएगी कि कुंडली के अंदर मंगल भी जैसे क्या है ना कि इसे मतलब जैसे देखने को मिला है कि जो विशेषकर पत्नी के घर परिवार के लोग होते हैं, इनके ससुराल के जो लोग रहेंगे उनसे इनके तालमेल उतने अच्छे ना रहे, या उनसे इतना जुड़े रहना ना चाहे, या उतना मतलब ज़्यादा किसी से मतलब ज़्यादा संबंध रखना ना चाहे, इसी बातें कहीं ना कहीं देखी गई है जो जातक को थोड़ा मतलब एक कमज़ोर करती है। क्योंकि जातक का स्वभाव घर परिवार से जो तालमेल बनाने वाला प्रभाव होता है वो कम हो जाता है फिर इससे, और मंगल का प्रभाव क्रोधी, और फिर ये गुरु का प्रभाव किसी की ना सुनने वाला बनाता है। केतु चलते भ्रम तो होता ही है, लेकिन किसी को बताते नहीं, और फिर जो मन में आता है वो निर्णय ले लेते हैं कई बार, तो उससे समस्या आ जाती है। शनि भी जैसे देख रहे हैं आप नवम भाव में नीच राशि में है, हालांकि शनि भाग्यशाली बनाता है, कैसे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है इस शनि के ऊपर। शनि के ऊपर जब गुरु की दृष्टि होती है तो एक बात देखने को मिली कि जरूर सिंह राशि अपने मेष राशि का शनि जिद्दी बनाता है, और गलत चीज भी अगर स्वयं ने बोली है तो सही दूसरों से मनवाने वाला स्वभाव देता है। लेकिन गुरु की दृष्टि आने से अन्य का सहयोग इनको मिलता रहेगा, वो फिर जीवन साथी हो या फिर वो अन्य घर परिवार के लोग हो, उनसे सहयोग इनको हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी बात कही जा सकती है। और इसी कारण से होगा क्या कि ये जीवन में मतलब एक अच्छा परिणाम जो है वो कम से कम अन्य के सहयोग से प्राप्त करते रहेंगे, इनकी सुरक्षा होती रहेगी। बस इनको चाहिए कि अन्य की बातों को थोड़ा माने, अन्य की बातों को सुने, विशेषकर घर परिवार के जो लोग हैं उनकी बातें, विशेषकर शनि किसको दर्शाता है, शनि जीवन साथी को दर्शा रहा है यहाँ पर। शनि क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, तो इसलिए जीवन साथी की बातें सुन करके, उनकी बातों को मान करके कोई काम करेंगे तो इनके लिए अधिक अच्छा रहेगा, अधिक अच्छा प्रभाव इनको उससे मिल पाएगा। तो इस बात का इनको ध्यान रखना चाहिए जिससे इनके लिए अच्छा परिणाम बन पाए। बाकी इनकी कुंडली की बात करेंगे तो इनकी कुंडली में प्रमुखता के साथ अभी जैसे आप देख रहे हैं कि शनि की दशा मई 2023 से चालू हो गई है। अब शनि की दशा चालू हुई है तो प्रभाव थोड़ा धीमा रहेगा शुरुआत में, क्योंकि शनि एकाएक जल्दी प्रभाव देने वाले ग्रह बनते नहीं है, शनि धीरे धीरे प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। लेकिन शनि का प्रभाव यहाँ नवम भाव में अच्छा है, कम से कम लाभ कराने वाला है, और इस शनि की दशा में सुख सुविधा सब इनको मिलने वाली ऐसा कहा जा सकता है। बस इनको जो इनकी कुंडली की कमजोरी वाले पॉइंट बन रहे हैं, जो इनके स्वभाव में आ रहे हैं, उसको ठीक करना है। और उसके लिए सबसे पहला काम क्या करें, पहले लग्न से शुरुआत करते हैं। लग्न की बात करें तो यहाँ पर लग्न के स्वामी सूर्य है, शाम का जन्म है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य देना नियमित अपने जीवन में जोड़ कर रखें। दूसरे नंबर पर गुरु को बलवान करना है तो अपने सीधे हाथ में एक लाल और पीले रंग का मिक्स धागा हो, जो मतलब आधा लाल रंग का आधा पीला हो, या फिर दो धागे लीजिए, एक लाल रंग वाला एक पीले रंग वाला, दो धागे लीजिए इस तरह के, और अपने सीधे हाथ में उसे बांध लीजिए। ये धागे मतलब जो कलेवा आता है लाल पीला मिक्स कलर का, वो भी ले सकते हैं, या दो अलग अलग धागे ऐसे ले सकते हैं, उनको अपने सीधे हाथ में किसी रविवार के दिन या गुरुवार के दिन बांधा जा सकता है, इसे सीधे हाथ में बांध लेंगे तो अच्छा रहेगा इसका प्रभाव। और इससे भी देखने को मिलेगा कि जो स्थिति है यहाँ पर वो अनुकूल रहेगी, इससे भी मतलब गुरु का प्रभाव बढ़ेगा। अपने नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी मिलाकर नहाना, किसी मंदिर में प्रतिदिन जाते रहना, वहाँ दर्शन करना, और एक काम घर परिवार से कोई कर सकता है कि, या ये स्वयं भी कर सकते हैं कि किसी मतलब जो कोई ऐसा मंदिर हो जो गुफा वाला हो, मतलब जो अंदर की ओर बना हुआ हो, गुफा वाला मंदिर हो, तो ऐसे किसी मंदिर में जा करके वहाँ से कोई पानी या फिर वहाँ से कुछ खाने की वस्तु लेकर के आ जाए, और वो
या तो वो कुछ खाने की वस्तु हो, प्रसाद वगैरह हो, तो वो इनको देते रहे, मतलब लगातार लाते रहे, इनको देते रहे, या फिर एक किसी बर्तन आदि में थोड़ा पानी लेकर के आ जाए और वही पानी इनको देते रहा जाए, तो उससे भी इनके जो गुरु का प्रभाव है वो अनुकूल होगा, इनको जीवन में सकारात्मक स्थिति मिलेंगी और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो ये काम कुछ किया जाए। फिर यहाँ पर चूंकि शनि की दिशा लग गई है, करियर में लाभ के लिए, ग्रोथ के लिए प्रभाव अच्छा चाहिए, तो इसमें एक काम करें कि यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है और शनि का भी है नवम में, तो इसलिए यहाँ पर एक काम होना चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान जी के मंदिर में ये दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ ही साथ एक कोशिश ये भी करें कि वहाँ पर अगर अपनी ओर से कोई सेवा दे सके, जैसे एक बात है कि कोई नया मंदिर बन रहा हो तो वहाँ पर कुछ धन की सहायता हो, या नहीं भी हो तो भी वहाँ पर धन का दान करना वो अच्छा रहता है। अगर समझिए कोई मतलब ऐसा स्थान है जो कि कोई नया मंदिर बना है, वहाँ पर जाकर के वहाँ पर अपना मतलब स्वयं से साफ सफाई करना, या स्वयं से कुछ ना कुछ वहाँ पर वस्तु रख कर के आना, घर में कोई भी कर सकता है कि हनुमान जी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है इनके लिए, और हनुमान जी के मंदिर में कुछ दान करने का कार्य कर सकता है। हनुमान मंदिर के बाहर जो लोग कोई बैठते हो तो उनको कुछ खाने की वस्तु शनिवार मंगलवार जैसे दिन पर दिए जा सकते हैं, उससे भी प्रभाव अच्छा मिल जाएगा इनको, उससे भी अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। क्योंकि शनि बलवान होंगे तो क्या होगा, ये सूर्य शुक्र राहु जो बैठे इनका प्रभाव अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा और व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, और बुध भी अच्छा होगा तो बुध से धन की स्थिति और कार्य में वृद्धि का प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी शुक्र को भी एक प्रकार से बलवान करें, शुक्र तुला राशि में है, सप्तम भाव में है, तो अपने व्यापारिक स्थल पर यानी अपने कार्य क्षेत्र पर जाकर के ये श्री सूक्त का पाठ, प्रतिदिन 3 पाठ श्री सूक्त का किया करें अपने व्यापारिक स्थल पर, ये स्वयं से करें तो बहुत अच्छा है, अगर ये स्वयं ना भी करें तो घर में कोई भी इनके लिए श्री सूक्त का पाठ कर सकता है, घर में ही कर ले भले वो, तो उससे इनको प्रभाव ठीक मिल जाएगा, इनके कार्य में तरक्की और वृद्धि का प्रभाव देखने को मिलेगा जो इनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी शनि दिशा भी लगी है, धीरे धीरे ही प्रभाव दिखा पाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे उन्नति के प्रभाव में इसे शनि की दिशा में वृद्धि होगी, तो ये बात कही जा सकती है इनके लिए। प्रभाव अच्छा है, मतलब खराबी वाला प्रभाव नहीं है। एक और काम किया जा सकता है इनके द्वारा कि केतु लग्न में है, केतु के लिए ये काम करना चाहिए कि किसी मंदिर के शिखर पर एक मतलब छोटा छोटे आकार का झंडा लगा देना चाहिए, जैसे शनि अपना ये शनिवार के दिन कोई भी हनुमान जी के मंदिर में ही एक छोटे आकार का लाल झंडा जो होता है, छोटा झंडा बोल झंडी बोल सकते हो उसे, वो लगाकर आ जाना चाहिए उसके थोड़ा ऊपर की ओर कहीं पर भी, तो उससे क्या होगा कि ये जो शनि का असर है वो भी और केतु का असर है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये काम कुछ करते रहना चाहिए। अगर गुरु की बात करेंगे तो गुरु के मंत्र जाप भी कर सकते हैं इसमें, तो घर में कोई भी इनके लिए, उससे भी प्रभाव अच्छा मिल जाएगा, स्थिति अच्छी बन पाएगी। तो ये कुछ जो उपाय बताए हैं ये कर लेने से इनकी कुंडली में अनुकूल प्रभाव आएगा। अब वो वही बात है ना कि यहाँ पर शुक्र यहाँ भी राहु के साथ में, यहाँ भी शुक्र मंगल राहु साथ में है, तो ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दर्शाता है, ये थोड़ा सा कमजोरी वाली स्थिति को बढ़ावा देता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ उपाय इन्हीं ग्रहों के लिए करना आवश्यक है जिससे इन्हीं ग्रहों का प्रभाव अच्छा मिलेगा। बाकी अभी शनि की दशा है तो वृद्धि के लिए, अनुकूलता के लिए यहाँ पर हनुमान जी की उपासना, गरीब लोगों को सहायता देना, मंदिर में सेवा देना, मंदिर में साफ सफाई करना, ऐसे कुछ काम से जुड़े रहना चाहिए, इससे अच्छा प्रभाव मिलेगा और धीरे धीरे करके सारी स्थिति जो है वो अनुकूल हो जाएंगी और सब प्रकार से प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ काम यहाँ पर मतलब इनको करना चाहिए, या इनके घर में कोई करे तो वो अच्छा रहेगा, बाकी सारी स्थिति इसी से अच्छी प्राप्त हो पाएगी। तो ये थी इनकी कुंडली का प्रभाव। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे उपाय जो इनको करना चाहिए जो इनके लिए और अच्छे रहे, आप बता सकते हैं, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।